नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि लाखों केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी। चुनाव के माहौल में कर्मचारियों के लिए आ गई है गुड न्यूज। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि चुनावी माहौल में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है जिसे कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होने जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी का स्ट्रक्चर केंद्र सरकार प्रत्येक 10 वर्ष में वेतन आयोग का गठन करके करता है। ऐसे में देश में पहली बार पे कमीशन जनवरी 1946 में किया गया। इसी के आधार पर कर्मचारी के साथ वेतन आयोग में आधार पर सैलरी दी जाती है। इसके माध्यम से अगला वेतन आयोग गठन 2024 में होने की संभावना जताई जा रही है। लाखों कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। ऐसे में संभावना है कि केंद्रीय कर्मचारी को जल्द ही लोकसभा चुनाव के बाद 8वां वेतन आयोग का लाभ मिल सके। 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र केंद्रीय कर्मचारी 8वां वेतन आयोग का गठन पर उचित कदम उठाने का नया विकल्प ढूंढ रहे हैं। ऐसे में कुछ आम बदलाव करने की सिफारिश करते हुए नई कमेटी का भी गठन किया जा रहा है जिसके माध्यम से कर्मचारी को इंक्रीमेंट के आधार पर सीधे तौर पर लाभ देने का प्रावधान किया गया है जिसके माध्यम से सरकारी कर्मचारी को रिपोर्ट आते ही 8वें वेतन आयोग पर उचित कदम उठाए जाएंगे। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाता है तो आप सभी लोगों को बता दें कि बेसिक सैलरी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। आप सभी लोगों को कर्मचारियों को कम से कम सैलरी 21,600 रुपये के करीब मिलेगी जो अभी 7वें वेतन आयोग में फिलहाल 18,000 रुपये है। जिसके साथ ही आपको लेवल 1 के कर्मचारियों को 21,600 की बेसिक सैलरी और स्केल 2 वालों को कर्मचारी को न्यूनतम 23,800 की सैलरी और स्केल 3 वालों को 26,040 की और आधार पर सेल स्केल 8 वालों को कर्मचारी के बेसिक सैलरी 57,120 रुपये के करीब मिलेंगे जिसमें सीधे तौर पर 8वें वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारी को वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी जिसका फायदा सीधे तौर पर 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।